सरकार बनी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेल में होंगे। जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हो। मीसा भारती ने अभी का ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, आप बोलते हो मोदी 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 और ये मोदी जी को गाली देते रहते। वो इस टिप्पणी के द्वारा अपने पिताजी की प्रतिज्ञा को हास्यास्पद बना रहे। मीसा जी कृपया करके इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी न करें, और आपको लगता है कि इससे मोदी जी या भाजपा के लोग डर जाएंगे तो भूल जाइए, आप कार्रवाई चलेगी। यही वो लोग हैं जिन्होंने देश में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या की। आज वो जब अपनी अहंकारी मानसिकता दिखाते हैं तो असलियत में ये मोहब्बत की दुकान नहीं, ये धमकी की दुकान है, और आज इसी का परिचय मीसा भारती जी दे रही है। सरकार उनकी बन नहीं रही, लेकिन भाई जेल में क्या तानाशाही लाने वाली हैं, क्या करने वाली हैं? बिहार की जनता उन्हें पूर्णतः नकार देगी। नरेंद्र मोदी करप्शन के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहे हैं, तो क्या इसलिए कई पार्टियां और कई बड़े बड़े नेता पीएम मोदी से चिढ़े हुए हैं, और क्या इसलिए उन्हें धमकियां मिल रही हैं? आज ये सवाल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती के धमकी भरे लहजे के बयान से उठा है। दरअसल मीसा भारती की धमकी है कि अगर 2024 में इंडिया गठबंधन की सरकार बनी, उनकी पार्टी सत्ता में आई, तो बीजेपी के नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वो जेल भेज देंगे। और मीसा भारती से पहले राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा था ये भी आपको बताते हैं। दरअसल सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी ये सब करने की। राहुल गांधी ने ये बयान तब दिया था जब इनकम टैक्स विभाग ने कांग्रेस को टैक्स का नोटिस दिया था। इसी के बाद बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी ईडी सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को धमकी दे रहे हैं, क्योंकि एजेंसियां भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई यहां पर करती हुई नजर आ रही है। तो कुछ इस तरह से धमकी भरा लहजा यहां पर सामने आ रहा है। और अब आपको बताते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मीसा भारती के बयान को बीजेपी भ्रष्टाचार से आखिर जोड़ रही है, तो क्यों जोड़ रही है? दरअसल लैंड फॉर जॉब स्कैम यानी कि जमीन के बदले सरकारी नौकरी घोटाले में लालू परिवार के 5 सदस्यों के खिलाफ ईडी और सीबीआई जांच चल रही है। घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, बड़ी बेटी मीसा भारती और हेमा यादव आरोपी हैं, और कोर्ट से बेल में बाहर यानी जमानत तो यहां पर मिली हुई है, लेकिन फिर भी कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला चल रहा है। इसलिए सवाल यह है कि भ्रष्टाचार विरोधी कड़े एक्शन की वजह से ही मोदी विरोधी रिएक्शन क्या यहां पर सामने आ रहे हैं, यह बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मीसा भारती के बिगड़े सुर, बिहार में सियासत का बदलापुर। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद। लालू यादव की बेटी मीसा भारती का ये बयान बदले की राजनीति का सबसे ताजा उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में अपनी रैलियों से परिवारवाद पर हमला किया तो लालू परिवार को उनकी बात चुभ गई। मीसा भारती ने पीएम मोदी समेत बीजेपी नेताओं को इंडिया गठबंधन की सरकार आने पर जेल भेजने की बात कह दी। मीसा भारती के बयान के बाद बिहार की सियासत में भूचाल आ गया। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी मीसा भारती को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया है। जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का, जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद हो। बस इतना ही आश्वासन, डरे सहमे लोगों की आवाज ये निकल रही है। यही लोग ना है जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज महलों का राजा कैसे बन गए, ये मॉल से लेके फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए, हिसाब देना पड़ेगा। और कौन जेल में है, कौन बेल में है, और किसकी भविष्य क्या होगी,
ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। मीसा भारती ने अभी का ये इतने फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, आप बोलते हो मोदी मोदी मोदी, और ये मोदी जी को गाली देते रहते हैं, कभी सांप कभी बिच्छू कभी क्या, इनकी निराशा इनकी हताशा इनका फ्रस्ट्रेशन चरम सीमा पर है। लालू यादव के दो बेटे तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव विधायक हैं। मीसा भारती आरजेडी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं। हाल ही में लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशियों की जो लिस्ट जारी की, उसमें लालू यादव की दो बेटियों रोहिणी आचार्य और मीसा भारती को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसके बाद लालू परिवार विरोधियों के निशाने पर हैं। वैसे भी भारतीय राजनीति में परिवारवाद एक बड़ा मुद्दा है और प्रधानमंत्री मोदी अक्सर अपनी चुनावी रैलियों में भ्रष्टाचार और परिवारवाद को निशाना बनाते रहे हैं, लेकिन विपक्षी नेताओं को उनकी बात इतनी चुभती है कि वो बदले की राजनीति पर उतर आते हैं। सबसे बड़ा विरोधाभास ये है कि मीसा भारती खुद पर लगे भ्रष्टाचार के मामलों की जांच को राजनीतिक कार्रवाई बताती हैं, खुद को पीड़ित करार देती हैं, लेकिन साथ ही अपनी सरकार आने पर विरोधियों को उसी तरह की कार्रवाई की धमकी भी देती है। इंडिया गठबंधन में ऐसी सोच रखने वाली मीसा भारती अकेली नहीं है। कुछ दिनों पहले ही राहुल गांधी ने भी ऐसा ही बयान दिया था और अपनी सरकार आने पर विरोधियों पर कार्रवाई की बात कही थी। कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। अब आप बदले की राजनीति के कुछ और उदाहरण देखिए। 24 दिसंबर 2021 को कानपुर में एक चुनावी सभा के दौरान AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी योगी का नाम लेकर पुलिस वालों को धमकी दी थी, तो उसके कुछ दिनों बाद 4 मार्च 2022 को मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वो अधिकारियों को हिसाब बराबर करने की धमकी देता दिखाई दिया। पुलिस के लोगों से कहना चाह रहा हूं, याद रखो मेरी इस बात को, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा, और हम मुसलमान वक्त के एतबार से खामोश जरूर हैं, मगर याद रखो हम तुम्हारे जुल्म को भूलने वाले नहीं हैं। वो यहाँ है, वो यहाँ ही रहेगा, पहले हिसाब किताब होगा, उसके बाद उनके जाने के सर्टिफिकेट पर मुहर लगाया जाएगा। और अब आपको बताते हैं कि इंडिया गठबंधन के कौन कौन से बड़े बड़े नेता करप्शन के आरोपों में घिरे हुए हैं और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच किस तरह से चल रही है। डिटेल इस वक्त आपके सामने। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार के मामले पर बेल में है। लालू प्रसाद यादव नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बेल पर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, ताजा मामला है, शराब घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे है। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जमीन घोटाले में जेल की सलाखों के पीछे हैं। आगे बढ़ते हैं, फेरिस लंबी है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला क्रिकेट घोटाले में बेल पर मौजूद है। तो साथ ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी शिक्षक घोटाले में आरोपी है। कानूनी प्रक्रिया लगातार इसे लेकर चल भी रही है। वहीं पर विपक्ष ये सवाल उठाता है कि देश बीजेपी और एनडीए में भी कई ऐसे नेता हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है।